हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और मैं हूँ SLB मोहाली से। अगर आप माइक्रोफोन परचेज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप माइक्रोफोन परचेज करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए तीन मॉडल्स जो कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में, यानी कि UHF माइक्रोफोन्स हैं। ये सारे के सारे हैंड हेल्ड माइक्रोफोन्स हैं, मैं आपको बताऊं, और इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। ये जो मॉडल्स हैं ये टर्बो ऑडियो की तरफ से आते हैं। इनका क्या प्राइस रहने वाला है, इनकी कैसी लुक रहने वाली है और इनके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, तो ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप इसकी पूरी डिटेल जो है वो ले सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आपको साउंड और लाइटिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो रेगुलर मिलते रहते हैं, और फाइनली आपको प्रोडक्ट के प्राइजेस के बारे में भी पता चलता रहता है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तीनों का जो है आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इनके फीचर्स आपको मैं समझाऊंगा और साथ ही साथ इनकी टेस्टिंग भी दूंगा। टेस्टिंग के लिए आप देख रहे हो मेरा एम्पलीफायर यहाँ पे रेडी है। एक यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ पे नई यूनिट देखने को मिल रही है जिसका नाम है SLB की तरफ से DGFX। तो ये यूनिट क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फाइनली मेरा यहाँ पे मॉनिटर रखा हुआ है। तो चलते हैं हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग की तरफ और इनके अंदर जो जो माइक्रोफोन्स हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आपको किस तरह के माइक्रोफोन की लुक देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं, सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं A138 मॉडल को। ये जो मॉडल है ये टर्बो ऑडियो की तरफ से आता है। ये एक UHF वायरलेस माइक्रोफोन है। तो हम इसका जो है यहाँ से बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मैनुअल देखने को मिल जाता है। मैनुअल में इस माइक्रोफोन की जितनी भी डिटेल्स हैं ये सारी लिखी हुई हैं। आप चाहे तो यहाँ से फोटोग्राफ देख के भी आप इसको कैसे ऑन करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइनली हमारा माइक्रोफोन आ जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है और इसके अंदर जो है सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, और ये माइक्रोफोन जो है ये मेटल बॉडी में है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम बॉडी में है, तो ये टूटने के चांसेस जो हैं इसमें बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी कि अगर आप इसको रफ़ यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे। फाइनली आपने अगर एक चीज़ और नोटिस की हो, इसके अंदर जो है आपको डबल ए सेल यहाँ पर आपको लगाने के लिए मिल जाते हैं। आपको 9 वोल्ट बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर आपको सेल मिलने वाले हैं। तो जो सेल हैं वो भी यहाँ पर आपके पास पैकिंग में साथ में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सेल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा इसकी और एसेसरीज निकाल लें, यहाँ पर आपको एक ग्रिप के लिए ये रबर मिल जाती है, यानी कि अगर आपने इसको टेबल पर रखना है, जैसे कि मैं इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको, आपने अगर इसको टेबल पर रखना है और ये टेबल से गिरे ना, तो आप इसको इस तरह से ये रबर लगा के रख सकते हैं। यहाँ पर ये एक छोटा सा इसका रिसीवर आ जाता है। ये रिसीवर देखने में छोटा ज़रूर है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो है 150 मीटर, यानी कि आप इस माइक्रोफोन को इस रिसीवर से जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है इस रिसीवर को चार्ज करने के लिए। इस रिसीवर को जो है आप इस केबल की मदद से, टाइप सी की केबल की मदद से इसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक जो है 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम कर देते हैं इस तरह से बंद। ये जो है इसका एंटीना आ जाता है। यहाँ पर आपके पास सिग्नल के लिए लाइट्स वगैरह आ जाएंगी। अभी हम जब इसकी टेस्टिंग करेंगे तो मैं इसके आपको सारे फीचर्स जो है एक एक करके बताऊँगा। तो इसके बाद हम अनबॉक्स करते हैं अपने सेकंड मॉडल को। इसको हम जो है साइड कर देते हैं। यहाँ पर इसी तरह का एक दूसरा मॉडल आ जाता है A170। ये मॉडल जो है ये आपका कुछ में उसी तरह का है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको दो माइक्रोफोन्स देखने को मिल जाते हैं विद सिंगल रिसीवर। यहाँ पर जो है सेम आपका मैनुअल बुक आ जाता है, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। इसके अलावा आपको दो रबर्स मिल जाती हैं, ग्रिप रबर्स जो हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ सेल मिल जाते हैं, दो माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं। माइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, फ़र्क उसमें और इसमें सिर्फ ये है कि इसमें आपको दो माइक्रोफोन मिल जाते हैं, उसमें आपके पास देखने के लिए एक माइक्रोफोन आ रहा था। इसके बाद हम अनबॉक्स करते हैं अपने थर्ड मॉडल। तीसरा मॉडल जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आ जाता है A380। इसका जो बॉक्स है यहाँ पर डिज़ाइन चेंज हो चुका है और इस मॉडल में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हो चुके हैं। एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। रिसीवर की आप क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है। यहाँ पर आपके पास एक माइक स्लॉट एड ऑन कर दिया गया है। लास्ट में यहाँ पर अगर आप देखें ये USB प्लेयर जो है इसके अंदर एक अलग से लगा दिया गया है। पहले इसका जो साइज़ था वो यहीं तक था, तो इसका साइज़ भी अब बड़ा हो गया।
इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक यूएसबी प्लेयर आपको देखने को मिल जा रहा है। अभी जब हम इसको ऑन करेंगे तब आपको दिखाएंगे यहाँ पे इसकी डिस्प्ले कैसे काम करती है, और फाइनली इतनी सारी जो आप नॉब्स देख रहे हैं इनका क्या काम है। इसकी एक बार मैं आपको बैक साइड भी दिखाता हूँ। बैक साइड में यहाँ पे आपके पास डबल एंटीना देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ आपके पास आउटपुट और इनपुट की सॉकेट्स देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बॉक्स में देखें, मेन रिसीवर के अलावा यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये माइक्रोफोन जो है ये भी मेटल बॉडी में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम के अंदर है ये, और यहाँ पर आपको डबल ए सेल यूज़ करने के लिए दो सेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास एक केबल आ जाती है जिससे कि आप अपने रिसीवर को ऑन कर पाएंगे। यहाँ पर इसका एडाप्टर देखने को आपको मिल जाता है जिसको आप यहाँ पे कनेक्ट करके इस रिसीवर को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ केबल्स आ जाती हैं जो कि केबल्स आप यूज़ करने वाले हैं जब आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ या मिक्सर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RCA केबल्स और EP2 RCA केबल देखने को साथ में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये आप देख सकते हैं फ़िल्टर फॉर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं, दो कलर्स में हैं, रेड एंड ब्लैक। तो आप इसको जो है माइक के ऊपर लगा सकते हैं अगर आप कहीं पे आउटडोर में माइक यूज़ कर रहे हो। तो अभी फ्रेंड्स आपको दिखाई हमने इन माइक्स की अनबॉक्सिंग, इसके बाद हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ, देखते हैं इन माइक्स की क्वालिटी किस तरह की है और किस तरह की आपको परफॉर्मेंस इसमें सुनने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले मॉडल से जो कि है A138। ये जो है ये सिंगल माइक्रोफोन आता है कुछ इस तरह के रिसीवर के साथ। अगर मैं आपको इसको ऑन करना समझाऊं तो यहाँ से जो है आपने सिंपल है ये पावर ऑन कर लेना है। पावर ऑन करते ही यहाँ पर आपको लाइट शो होनी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपको जो है अपना माइक्रोफोन ऑन कर लेना। माइक्रोफोन पे आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे बैटरी बैकअप शो होगा, फ्रीक्वेंसी शो होगी किस फ्रीक्वेंसी पे ये चल रहा है, तो आप यहाँ से ये चीज़ ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने यहाँ पे प्रोसेसर के साथ। यहाँ पर जो है माइक इनपुट है, माइक इनपुट में जो है मैं इसका रिसीवर लगा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, प्लग एंड प्ले है। इसके बाद जो है हम यहाँ से एम्पलीफायर का वॉल्यूम कर देते हैं अप और करते हैं माइक को चेक। हेलो चेक वन, हेलो चेक। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये मेरी माइक्रोफोन से आ रही है, यहाँ पे जो मॉनिटर लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि मैं मॉनिटर के कितने पास हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है विसल बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा इसको इफेक्ट दे देते हैं। हेलो चेक वन, चेक वन, हेलो चेक वन। ये जो माइक्रोफोन है अभी जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है जो कि आप मेरा ये कैमरा कैच कर रहा है, और फाइनली ये जो आवाज़ है ये मेरे माइक्रोफोन से आ रही है। आप साउंड क्वालिटी देख सकते हैं किस तरह की आ रही है। क्वालिटी जो है आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जैसी मेरी नेचुरल आवाज़ है उसी तरह की मुझे अपने स्पीकर में सुनाई दे रही है। इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम और इंक्रीज करके देखते हैं। हेलो चेक वन, हेलो चेक वन। तो आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है। और फाइनली यहाँ पे मेरे पास जो ये प्रोसेसर है इसके अंदर इफेक्ट भी है, मैं आपको एक बार इसका इफेक्ट के साथ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की इसकी जो है क्वालिटी आने वाली है। हेलो चेक वन, हेलो। तो अभी मैंने थोड़ा सा उसमें इको डाला है और इको के साथ आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी किस तरह की आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड मॉडल की तरफ। सेकंड मॉडल को जो है हम चेक कर लेते हैं जो कि है A170 जो कि डबल रिसीवर के साथ आता है। तो मैं आपको दोनों माइक ऑन करके दिखाऊंगा A170 के। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने सेकंड मॉडल की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया A170, इसका रिसीवर जो है ये भी कुछ उसी तरह का देखने को मिल जाता है। ओवरऑल माइक्रोफोन भी जो है वो सेम वैसा ही है। अगर आप दो माइक्रोफोन्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं A170 मॉडल, अगर आप सिंगल माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं A138 मॉडल। तो करते हैं इस माइक्रोफोन की टेस्टिंग और एक बार दिखा देते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। फाइनली मैंने यहाँ से ऑन किया, इसको हम लगा देते हैं वापस से इनपुट के अंदर। ये A170 का रिसीवर है जो कि ड्यूल माइक्रोफोन के साथ आता है जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर मेरे दोनों माइक ऑन हो चुके हैं और यहाँ पर दोनों लाइट्स जो हैं वो आ रही हैं। ज़्यादातर डबल माइक्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप एक माइक्रोफोन को ऑन रखते हैं और दूसरे को साथ में यूज़ करते हैं तो दोनों की आपस में क्लैश होती है, आवाज़ साउंड कटने लग जाती है या रेंज कहीं ना कहीं कटने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है दोनों माइक्स मैंने ऑन रखे हुए हैं, दोनों की एक बार जो है आपको टेस्टिंग दिखाते हैं। हेलो चेक हेलो। तो ये मेरा जो है ये माइक वन है जो ये ऑरेंज कलर के रिंग में है, ये फर्स्ट माइक है और यहाँ पर जो है ये सेकंड माइक है। आप देख सकते हैं दोनों को जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में जो है बिल्कुल भी फर्क नहीं आ रहा। हेलो चेक वन, हेलो चेक, हेलो चेक वन, हेलो चेक, साउंड चेक वन, हेलो 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 हेलो। आपको मेरे हिसाब से जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ इस मॉनिटर से, मुझे अपनी आवाज़ में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं नज़र आ रही है क्योंकि जो दोनों माइक्रोफोन्स हैं मैंने अपने सिंगल इनपुट पे यहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो ये जो मॉडल है ये है A170, आपको ध्यान रखना है। और ये जो मॉडल है ये डबल माइक के साथ आता है, A138 जो हमारा मॉडल है वो एक माइक के साथ आता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने जो मेन, यहाँ पर आपको तीसरा मॉडल देखने को मिल रहा है
जिसका मॉडल नंबर है A380। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो इसके बाद चलते हैं रिसीवर के ऊपर। आपको काफ़ी सारी नॉब्स देखने को मिल रही हैं। अब इनका क्या क्या यूज़ है और कैसे कैसे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक पावर का बटन आ जाता है, यहाँ पे आपके पास पावर इंडिकेटर आ जाता है, यहाँ पे आपके पास माइक्रोफोन का इंडिकेटर आ जाएगा, यानी कि आपका माइक्रोफोन जो है वो कौन सा ऑन है। जैसे कि मैंने अभी ये माइक्रोफोन ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये सेकेंड माइक्रोफोन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने माइक ऑन किया और यहाँ पे जो है सेकेंड माइक्रोफोन की जो है लाइट नज़र आ रही है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे फर्स्ट माइक्रोफोन ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट की लाइट भी जो है आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने दोनों माइक्रोफोन्स अभी फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक सॉकेट आ जाता है, जिसमें कि आप अगर आप एडिशनल कोई तीसरा माइक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर उसको वॉल्यूम जो है आप कितना भी रखना चाहें तो वो यहाँ से सेट करेंगे, जो यहाँ पर आप माइक्रोफोन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट माइक, सेकेंड माइक, जो आपके दो माइक्स हैं ये वाले, आप इनकी वॉल्यूम जितना भी रखना चाहें तो वो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड के वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ट्रेबल का फंक्शन आ जाता है, यानी कि अगर आप माइक में हाइज जो है वो ज़्यादा बूस्ट करना चाहें या कम करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बेस का ऑप्शन आ जाता है, माइक्रोफोन में आप बेस जैसा भी रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक ऑप्शन इको का आ जाता है इस रिसीवर के अंदर, यानी कि ये रिसीवर जो है अपने आप में एक तरह का मिक्सर है। इसमें आपके पास वॉल्यूम ऑप्शंस आ गए, इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई, यहाँ पर आपके पास इफेक्ट भी आ जाता है, यानी कि अगर आप किसी माइक में अगर इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं इको का तो आप यहाँ से इफेक्ट को सेट कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आपके पास एक यूएसबी का फीचर आ जाता है, इसके साथ साथ आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं इसमें। अभी हमने जो है यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। इसको हम टेस्टिंग करते हैं पहले ब्लूटूथ की, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके साथ माइक्रोफोन की टेस्टिंग करके। तो हम ट्रैक को करते हैं यहाँ से प्ले। यहाँ से जो है आप माइक इसका म्यूजिक का जो वॉल्यूम है, जो ब्लूटूथ का वॉल्यूम है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाद हम करते हैं इसकी माइक की टेस्टिंग। और ये मॉडल जो है आप कैरियोके के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई सॉन्ग के साथ अगर आप गाना गाना चाहें तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ की या पेन ड्राइव की मदद से आप पीछे म्यूजिक चला सकते हैं, उसके साथ अगर सिंगिंग करना चाहें और यहाँ से अगर इफेक्ट वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये मॉडल जो है उस काम के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो चलते हैं माइक्रोफोन की टेस्टिंग करते हैं। हेलो चेक, हेलो, ये जो है ये इसका फर्स्ट माइक चल रहा है और इसके बाद यहाँ पे हम सेकंड माइक ऑन कर लेते हैं। हेलो चेक, तो आप देख सकते हैं इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है दोनों माइक्रोफोन के अंदर। ये मेरा फर्स्ट माइक्रोफोन है। हेलो चेक, हेलो चेक, मेरा सेकंड माइक्रोफोन है। अब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट हम ऐड करके देखते हैं। अभी जो है इसमें इको जो है वो ऑलरेडी ऑन है, एक माइक को जो है मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे इसका इको जो है ये अभी मैंने बंद कर दिया, ये बिना इको के चल रहा है। और अब इसमें इको ऐड करके देखते हैं। हेलो चेक, हेलो, हेलो चेक। तो अगर आप इसको सिंगिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसका इको यूज कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे म्यूजिक के साथ एक बार इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। हेलो चेक, हेलो चेक वन, हेलो। तो अगर आप इस तरह म्यूजिक के साथ अगर कुछ सिंगिंग वगैरह करना चाहते हैं, मैं यहाँ से म्यूजिक की थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा एक मिक्सर की तरह आपका काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे म्यूजिक की सेटिंग वगैरह जितना भी रखना चाहें यहाँ से लेवल सेट कर सकते हैं, उसके साथ आप माइक पे अगर सिंगिंग वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ पे सिंगिंग भी कर सकते हैं। और एक ही नहीं दो लोग सिंगिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है ये दो माइक्रोफोन्स के साथ आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके प्राइजेस के बारे में, कि माइक्रोफोन के जो प्राइजेस हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये टेस्टिंग पसंद आई होगी, और टेस्टिंग के साथ साथ जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाया इस वीडियो में वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और इसके बारे में क्वेरीज जानना चाहते हैं या इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो बात आ जाती है इसके प्राइस की, कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। पहला मॉडल जो मैंने आपको दिखाया A138, इसका प्राइस जो है वो है 2000 रुपए। इसके बाद जो सेकंड मॉडल आपको दिखाया मैंने डबल वाला, जो कि है A170, इसका जो प्राइस है वो है 3500, यानी कि 3500 रुपए।
यहाँ पर जो आपको एक मॉडल लास्ट में मैंने दिखाया है जिसके अंदर ब्लूटूथ भी है, पेन ड्राइव भी है, इफेक्ट भी है, मतलब इसमें कोई चीज बची नहीं कि एक मिक्सर है एक तरह से पूरा का पूरा जो है वो रिसीवर के अंदर लगा हुआ है। ये वाला जो मॉडल है, इस मॉडल का प्राइस है 4500 रुपए, 4500 रुपए। अगर आप इन माइक्रोफोन्स को खरीदना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकी अगर ज्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट में बात आ जाती है कि अगर आप इसका लाइव डेमो देखना चाहते हो तो लाइव डेमो देखने के लिए आप हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। फैक्ट्री का जो एड्रेस है वो आपके सामने शो हो रहा है, तो आप हमारी फैक्ट्री में आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप इसका लाइव डेमो देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।